हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी। और गाइस, जितने भी मेरे डेंटिस्ट दोस्त मुझे देखते हैं, आप लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। कोई लखनऊ से कमेंट करता है, कोई असम से डेंटिस्ट है, कोई केरला का है। बहुत अच्छे अच्छे डेंटिस्ट दोस्तों के भी कमेंट्स आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। और आम पब्लिक को भी, जो जनरल पब्लिक हमें देखती है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग का अवेयरनेस बढ़े और आप लोग अपने सही ट्रीटमेंट करा पाए। इसी मकसद से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ गाइस। तो आज बहुत टाइम के बाद एक लेक्चर वीडियो बनना है। बहुत टाइम से एक डिमांड थी, कमेंट में पड़ता था कि लेक्चर वीडियो आ ही नहीं रहे आपके, हमेशा क्लिनिकल वीडियो ही रहते हैं, केसेस ही आप दिखाते हैं। तो गाइस, आज आप लोग के लिए एक लेक्चर वीडियो बना रहा हूं, और आज का भी टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। और ये उन लोगों के लिए है जिनके दांत पीले बदरंगे हैं और उनको स्माइल करने में शर्म आती है, हिचकिचाहट होती है। तो उनके लिए क्या परमानेंट ट्रीटमेंट है जिससे आपकी स्माइल अच्छी हो जाए, खूबसूरत हो जाए। तो ये वीडियो में आज आप होप सो आपको हेल्प होगी। तो गाइस, जिनके भी दांतों में गैप भी है, दांत पीले हैं, बदरंगे हैं, दांत टूटे फूटे हैं, दांत छोटे हैं, और अच्छी स्माइल चाहिए उनको, तो उनके लिए एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है, और उस ट्रीटमेंट का नाम है विनियर्स। आज हम बात करेंगे विनियर्स के बारे में। हम जानेंगे विनियर्स क्या होते हैं, किस तरह के केसेस के लिए ये उचित होते हैं, मतलब बेस्ट होते हैं, कितने टाइप के विनियर्स होते हैं, इसमें टाइम कितना लगता है, मतलब ये ट्रीटमेंट में अगर आप जाते हैं तो इसमें वक्त कितना लगता है, किस तरह से ये ट्रीटमेंट होता है, ये कराने के बाद इसका लाइफ कितना होता है, मतलब इस ट्रीटमेंट का लाइफ स्पैन कितना होता है, एंड लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें खर्चा कितना आता है। तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात हम जान लेते हैं विनियर्स क्या होते हैं। तो गाइस, एक समझ लीजिए, विनियर्स एक पॉर्सलिन की एक पतली सी परत होती है, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे मैं बता दूँ, विनियर्स 5 टाइप्स के विनियर्स होते हैं जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक की, क्योंकि मैं अगर पांचों को लूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं बाकी के बारे में डिटेल में तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बस मैं यहाँ पे बता देता हूँ 5 टाइप के विनियर्स कौन कौन से होते हैं। एक परमानेंट विनियर जिसको पॉर्सलिन विनियर बोलते हैं, दूसरा कॉस्मेटिक विनियर, तीसरा पैलेटल विनियर, चौथा ल्यूमिनस होता है, एंड पांचवा होता है स्नैप ऑन विनियर्स। तो ये जो है, बाकी ऑप्शंस मैंने बताया, उसमें सबसे स्ट्रांग और सबसे लॉन्ग लास्टिंग के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है पॉर्सलिन विनियर्स, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज रहते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बाकी सब इससे थोड़े कम रहते हैं। तो मैंने जैसे बताया, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, सर नेक्स्ट वीडियो बना दो, तो मैं जरूर बना दूंगा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉर्सलिन विनियर के बारे में। तो गाइस, जिसके भी दांतों में, जैसे मैंने बताया, गैप है, ठीक है, दांत पीले पीले हैं, शेड उनको अच्छा नहीं लगता है, दांत स्माइल करते पीले दिखते हैं, या दांत थोड़े बड़े कटे वटे हैं, ठीक है, तो उस तरह के केसेस के लिए ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसमें होता क्या है, इसका तरीका क्या है ट्रीटमेंट का। तो देखिए, आपके दांतों की पतली सी परत को रिड्यूस किया जाता है, जिसमें सामने की परत और ऊपर की परत को रिड्यूस किया जाता है, और उसमें ये विनियर्स लगाए जाते हैं। सबसे पहले डेंटिस्ट क्या करेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से आठ, क्योंकि ये कटिंग करना है, बहुत ही बारीक वर्क है, तो बहुत ही बारीक तरीके से आपके डेंटिस्ट आपका प्रिपेयर करेंगे दांत, फिर उसका इम्प्रेशन लिया जाता है, स्कैनिंग होती है, और लैब से फिर आपका विनियर्स बन के तैयार होके आता है। तो ये जो ड्यूरेशन है, इसमें मान के चलिए जो ट्रीटमेंट का टाइम है, स्टार्टिंग से एंड तक, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 दिनों का समय लगता है, कहीं कहीं हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन भी लगता है, क्योंकि इसकी जो इसको बनाने वाली लैब्स हैं वो हर जगह पे नहीं होती, बहुत एक्सपर्टाइज वर्क है। तो ये मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाता है, मतलब रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन अगर आप गांव में हैं, छोटे शहर में, तो शायद ये ट्रीटमेंट की सुविधा आपको ना मिले, ठीक है। तो गाइज, जो ये पॉर्सलिन विनियर है, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नेचुरल लुकिंग होते हैं। मैं कुछ केसेस अपने लगा देता हूँ, आप फोटोज देख सकते हैं पहले का और बाद का, आपको खुद अंतर पता चल जाएगा। और लाइव वीडियो भी मैंने दिखाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको लाइव केसेस भी देखने मिलेंगे, ठीक है। तो और पेशेंट के ऊपर कैसा लग रहा है, पेशेंट को कैसा फील हो रहा है, सब चीज़ आपको देखने मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा। तो हम जानना क्या बात कर रहे थे कि विनियर्स, अभी आपने समझा कि विनियर्स कैसे लगते हैं और कैसी प्रोसीजर होती है। लैब में जाता है, लैब से बन के आता है, इस दौरान टेम्परेरी क्राउंस आपको दे दिए जाते हैं, मतलब टेम्परेरी विनियर्स दिए जाते हैं। हम अपनी क्लिनिक में तो देते हैं, हर जगह देते हैं कि नहीं देते हैं ये मैं नहीं बोल सकता। और फाइनल विनियर जब लगता है, बन के आता है, तो टेम्परेरी को हटा दिया जाता है और आपके फाइनल विनियर्स बॉन्ड कर दिए जाते हैं, मजबूती से बॉन्ड कर दिए जाते हैं। अब ये लॉन्ग लास्टिंग हो गए, सालों साल के लिए हो गए, बिंदास आप हंस सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, और आपकी स्माइल खूबसूरत हो गई है, जैसा कि आप केसेस में, अभी फोटोज में आपने देखा, ठीक है गाइस। अब हम जानते हैं कि, ये तो आपने समझ लिया कि कैसा होता है, इसका तरीका क्या होता है, कैसा दिखता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसमें खर्चा कितना आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो गाइस देखिए, विनियर्स एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट है, लंबा चलने वाला है, ऐसे खराब होने वाला नहीं, आप ब्रशिंग ब्रशिंग सब कर सकते हैं,
और ये सब जो मैं पहले ऑप्शन बताया था पांचों, पांचों में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब कितना खर्चा आता है, इसमें खर्चा पकड़ के चलिए आप 8,000 से 15,000 रुपए, 8,000 to 15,000 का रेंज आप पकड़ के चलिए ये ट्रीटमेंट की कॉस्ट आती है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन एक्सपर्ट डॉक्टर आपका कर रहा है, किस जगह पे आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं चार्जेस के ऊपर, बट मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली चार्जेस बताने की कोशिश करी। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो खर्चा बताया सिर्फ एक दांत का है, मैं क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे सर पूरे मुंह का क्या, ना ना ना, सिर्फ एक दांत का खर्चा है दोस्त। और इसमें मैं बता दूं कि कितने दांतों में करना ये ठीक रहता है। तो अगर मान लीजिए अगर आपके दांत के शेड बहुत अच्छे हैं, कई बार आप ऐसा भी केसेस कंडीशन रहता है कि दांत में जस्ट गैप है लेकिन मेरे दांत के कलर बहुत अच्छे हैं, तो गाइज ऐसे कंडीशन में पूरे दांतों में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो दांत में गैप है सिर्फ वही दो दांत में करवा लीजिए और बस एक्सपर्ट डेंटिस्ट से कराइएगा जिससे रिजल्ट आपको अच्छा मिले। तो उसमें क्या होगा, आपके दोनों दांत में किया जाएगा जिससे आपका गैप क्लोज हो जाएगा, और अगर आपके आजू बाजू के दांत के शेड अच्छे हैं तो वो उनसे मैच कर दिया जाएगा जिससे आपकी जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दिखेगी। ठीक है गाइस, तो ये मैंने कैसे केसेस में बोला कि अगर आपके दांत के शेड बहुत अच्छे प्यारे हैं तो विनियर्स को उनसे मैच किया जाएगा और गैप को क्लोज कर दिया जाएगा, परमानेंटली क्लोज हो गया। ठीक है, अगर आपके दांत बदरंगे हैं तो गाइज ऐसे केसेस में क्या होता है, मिनिमम टू मिनिमम 6 दांत में जरूरी है विनियर, 6 दांत में विनियर जरूरी है, क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे सामने के 6 दांत मैक्सिमम लोगों के प्रोमिनेंट दिखते हैं, वो स्माइल करने में दिखने में आते हैं। तो अगर किसी के दांत बदरंगे हैं तो वो अगर 2 दांत या 3 दांत में करवाएगा तब भी गंदा दिखेगा, क्योंकि वही 2-3 दांत अच्छे दिखेंगे बाकी सब पीले पीले दिखेंगे। तो ऐसे केसेस में आपको स्माइल डिजाइनिंग के लिए 6 दांतों को लेना जरूरी रहता है जिसे आप स्माइल करें तो प्रॉपर आपके सुंदर स्माइल दिखे। ठीक है, किसी किसी केसेस में अगर स्माइल बहुत ज्यादा लंबी है तो 8 दांतों तक भी लेना पड़ता है। ठीक है, और पीछे साइड में रेयर करना पड़ता है, रेयर होता है, मैक्सिमम 6 दांत इनफ रहते हैं। अगर दांत पीले पीले हैं, बहुत ज्यादा स्माइल है तो थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है, मतलब 7 से 8 दांत, मतलब इधर के आपके 4 दांत, इधर के 4 दांत। ठीक है, अदरवाइज 3 दांत इस साइड के, 3 दांत इस साइड से, मतलब बीच मिड लाइन सेंटर से बता रहा हूं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, मतलब केनाइन तक, नॉर्मली इतने में एक खूबसूरत स्माइल दिखती है और रिजल्ट एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आता है। तो गाइस ये मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे इस कंडीशन में ये ट्रीटमेंट अच्छा रहता है, क्या खर्चा आता है, कितने कितने दांतों में आपको करवाना है और कैसे कैसे आपको चूज करना है, कि मतलब डेंटिस्ट के लिए भी है क्योंकि जो न्यू फ्रेशर डेंटिस्ट मुझे देख रहे हैं आपको भी जजमेंट करने में आसानी पड़ेगी कि अगर पेशेंट्स के दांत के शेड अच्छे हैं तो जस्ट उन्हीं से मैच करिए, और कम दांत में भी करेंगे तो रिजल्ट अच्छा जाएगा, लेकिन अगर पेशेंट्स के दांत बहुत ज़्यादा बदरंगे हैं तो आपको ज़्यादा दांत लेना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और पेशेंट्स के लिए भी जो जनरल पब्लिक मुझे देख रही है आपको भी होप्सो अच्छे से समझ आया होगा कि आप भी अपना ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से करा पाए। गाइस होप्सो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ आपको बताने की कोशिश करी है, अगर कुछ क्वेश्चंस रहता है तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और यहाँ पे आ रहा होगा आपका स्क्रीन में, अगर आ रहा है तो आप कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। मुंबई डेंटल के नाम से सर्च करिए इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे मैसेज करिए, जब भी मुझे फ्री टाइम रहेगा मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आप मुझसे प्राइवेट कंसल्ट करना चाहते हैं तो गाइज वो पेड कंसल्टेशन सर्विस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप व्हाट्सएप करके कॉल करके टाइम ले सकते हैं और प्रॉपर टाइमिंग में आप कंसल्ट मेरे से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो होप सो गाइज इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।